शर्मिला और उसका परिवार शिकार करने के लिए चल पड़ा है। आज शिकार करने शर्मिला के साथ उसकी तीनों बहनें और उसकी दोनों बेटियां जा रही हैं। शर्मिला अपने झुंड में सबसे बड़ी है और उसको शिकार करने का सबसे ज़्यादा अनुभव है। तो आज शर्मिला के झुंड ने जिराफ का शिकार करने के बारे में सोचा है और उनको अपने सामने ही झुंड में एक नन्ना सा जिराफ नज़र आ रहा है। शर्मिला की योजना के अनुसार सभी शेर अपनी अपनी जगह पर हमला करने के लिए तैयार हैं और वहीं दूसरी तरफ सभी जिराफ अपने ही मस्ती में लगे हुए हैं। कोई पत्ते खा रहा है और कोई एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। शेरों ने छोटे जिराफ को निशाना बनाते हुए हमला किया। शर्मिला और उसका परिवार धीरे धीरे और बिना किसी आवाज़ से अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है। शर्मिला ने बहुत ही तेज रफ्तार से छोटे जिराफ पर हमला किया मगर माँ जिराफ उनके राह के बीच में आ गई। माँ जिराफ को अपने सामने देखकर शेरों ने उस पर ही हमला किया। शर्मिला और उसके झुंड ने माँ जिराफ को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर हमला किया मगर माँ जिराफ भी लाते मारती हुई जवाबी हमला दे रही है। बाकी के जिराफ ये सब देखकर भागने लगे। माँ जिराफ भी शेरों से बचकर भाग रही है। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। मगर आखिर में कई सारी लातें खाने के बाद शर्मिला और उसके परिवार की जिराफ खाने की भूख मिट गई और वे खाली हाथ ही वापस चल पड़े। आज तो वह छोटा जिराफ और उसकी माँ शर्मिला के वार से बच गए मगर क्या आपको लगता है कि वह आगे भी शर्मिला के वार से बच पाएंगे?